एक समय पर टीवी इंडस्ट्री में अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा और अविका गौर्ग जैसी कई एक्ट्रेस की एक्टिंग और खूबसूरती का ही जलवा दर्शकों के बीच बिखरा हुआ था, पर उन सभी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए टीवी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन्हीं की तरह छोटे पर्दे की 6 अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाते हुए संन्यास ले लिया है। पर जहां इन अभिनेत्रियों ने फिल्मों में काम करने के लिए टीवी से संन्यास ले लिया है, तो वहीं टीवी की उन दूसरी अभिनेत्रियों के संन्यास लेने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर उन्होंने टीवी से संन्यास क्यों लिया है। तो आइए आपको टीवी की उन अभिनेत्रियों से रूबरू करवाते हैं जो टीवी की दुनिया से संन्यास ले चुकी हैं और उसके पीछे की क्या वजह है, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। नंबर 1, रतन राजपूत। भले ही अभिनेत्री रतन राजपूत छोटे पर्दे पर किसी न किसी शो में दिखाई दी जाती है, लेकिन ये किसी भी सीरियल में बस कुछ महीनों के लिए ही टिकती हैं, क्योंकि अब इन्हें एक्टिंग करना उतना खास पसंद नहीं है, क्योंकि एक्टिंग के चक्कर में इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ स्पॉइल कर ली है। जहां ये अब भी 34 साल की उम्र में किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और इसी वजह से ये धीरे धीरे करके ये छोटे पर्दे से गायब होती जा रही हैं, क्योंकि अब इन्हें अपना घर संसार बसाना है। नंबर 2, रुचा हसबनीस। जब टीवी की क्यूट अभिनेत्री रुचा हसबनीस ने साथ निभाना साथिया सीरियल में काम किया था, तभी इनके लिए एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर का रिश्ता आ गया था, जिसके चलते इनके मम्मी पापा ने तुरंत इनकी शादी प्रॉपर्टी डीलर राहुल जगदेल से करवा दी थी। मगर राहुल ने शादी के समय शर्त रखी थी कि अगर रुचा उनसे शादी करेगी तो हमेशा हमेशा के लिए वो एक्टिंग करियर छोड़ देगी और इसी वजह से रुचा का संन्यास अभी भी जारी है। नंबर 3, अनीता हसंदानी। 1.5 साल हो चुके हैं अभिनेत्री अनीता हसंदानी को किसी भी टीवी शो में काम करे बगैर, और जब से अपने बच्चे की मां बनी है तब से उनके पालन पोषण में ही अनीता सारा टाइम गुजार देती है। ऐसे में इनका भी अब एक्टिंग पर फोकस कर पाना इन्हें नामुमकिन सा लगता है, इसलिए अब ये पूरी तरह से एक्टिंग से संन्यास लेकर अपने बच्चे को पालेंगी। नंबर 4, जेनिफर विंगेट। 18 साल से लगातार शो पर शो करने वाली बोल्ड एंड गॉर्जियस एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट भी अब छोटे पर्दे पर कुछ खास काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में उनके फैंस को लग रहा है कि उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से संन्यास लेकर निजी जिंदगी में खुद के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा अभी तक अभिनेत्री जेनिफर विंगेट ने नहीं किया है। नंबर 5, कांची सिंह। एक समय पर छोटे पर्दे पर अपनी चुलबुली अदायगी से सबका दिल चीर देने वाली अभिनेत्री कांची सिंह सिर्फ अपनी खूबसूरती से ही लोगों का दिल जीत लेती थी, पर जब से इनका ब्रेकअप अभिनेता रोहन मेहरा से हुआ है तब से इनका दिल नहीं करता टीवी सीरियल में काम करने का, इसलिए इन्होंने किसी भी टीवी सीरियल में अब हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। नंबर 6, पारुल चौहान। विदाई ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे मशहूर सीरियल में काम करके घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री पारुल चौहान भी एक्टिंग की दुनिया से संन्यास लेकर अपनी निजी जिंदगी में काफी खुश है, और इन्हें देखकर लगता है कि अब ये दोबारा छोटे पर्दे पर काम करने के लिए वापस नहीं लौटेंगी। तो दोस्तों, इन सभी अभिनेत्रियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी अच्छी खासी एक्टिंग से संन्यास लेकर बैठी हुई हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।